Hey guys, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, my name is Kara and welcome. So guys, in the last video, जैसे कि मैंने बताया था कि which oil I use, उस वीडियो पे मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आए थे कि अपना फुल हेयर केयर रूटीन बताओ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ज्यादा वेट ना करवाऊं और जल्दी से जल्दी ये वीडियो बनाऊं. सो उसी रीजन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू माई फुल हेयर केयर रूटीन. आई मीन पूरी तरीके से तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगी, बट येस कुछ टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ अपने हेयर केयर रूटीन के लिए. तो आप लोग जानते हो कि हमारे हेयर एस्थेटिक में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मेंटेन कैसे करते हो. जैसे कि हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, सपोज हमारी बॉडी है, हमारे हेयर है, या हम कुछ नया खरीदते हैं, तो हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, हम उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देते हैं खराब होने के लिए. जिसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ. मेरे हेयर के रूटीन में जो मैं फर्स्ट स्टेप करना पसंद करती हूँ वो है ऑयलिंग. और जो आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो करते ही होंगे, और आई मीन बचपन से करते आ रहे होंगे. सो यस, मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ. सो मैं भी हेयर ऑयल यूज करती हूँ. सो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऑयलिंग इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड नरिशेज द रूट्स. सो जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारे जो हेयर ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो भी उसके साथ बढ़ने लगते हैं. एंड मेक श्योर टू मसाज योर ट्रेसेस वंस और ट्वाइस अ वीक. एंड ऑयल जो भी आपको सूट करता है, आपकी स्कैल्प पे सूट करता है, आप वो यूज कर सकते हो. एंड कवर इट विथ शार कैप. उसको शार कैप से कवर कर देना है. शार कैप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती है, बहुत चीप रेट पे आपको मार्केट में मिल जाती है. सो आप वो यूज कर सकते हो. नहीं यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड कुछ लोग ऑयल ओवरनाइट यूज करते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ जिस बात लेने से एक दो घंटे पहले लगा के एंड उसको वॉश कर देना मुझे ज्यादा बेटर लगता है. सो मैं वैसे यूज करती हूँ. आप लोग अपने तरीके से यूज कर सकते हो. एंड वॉश इट ऑफ विद माइल्ड शैम्पू एंड नॉर्मल वाटर से वॉश करना है हमको. सो माइल्ड शैम्पू कौन से होते हैं वो कुछ लोगों को नहीं पता होगा. सो जिनको नहीं पता है आप लोग गूगल कर सकते हो या फिर मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो. सो दैट मैं उन लोगों को बता सकूं किसी वीडियो के जरिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो. एंड उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से क्यों उसको वॉश करना है, क्योंकि हॉट वाटर हमारे हेयर के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है. हमको नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर ही यूज करना चाहिए अपने हेयर को वॉश करने के लिए. चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो, किसी भी मौसम में अगर आपको हेयर वॉश करना है तो आपको हमेशा नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है. सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है डाइट. सो कुछ लोग अभी भी मेरी वीडियो पे आए होंगे ये सर्च करके कि हम कैसे अपने बालों पर क्या लगाएं जिससे हमारे बाल अच्छे हो जाए, बट कभी भी कोई ये सर्च नहीं करता है कि ऐसा हम क्या खाएं जिससे हमारे हेयर की ग्रोथ बढ़े, जिससे हमारे बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाए. वो कोई सर्च नहीं करता है. सो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हमारी डाइट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो यू नीड टू फीड योर हेयर ऑल द राइट न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली प्लेंटी ऑफ बायोटिन एंड आयरन. सो बायोटिन इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन एच, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आवर हेयर स्ट्रेंथ, which reduces hair fall and baldness. For this, I have started using Oziva's plant biotin, and this is India's first complete plant biotin. There are other biotin available in the market, but those are the synthetic ones, that is which has been made using chemicals. And problem of those products is, instead of providing a strength to your body, it also damages your hair a little because of the presence of chemicals. And it is made from ingredients that have been derived from plants and therefore has faster absorption as compared to other biotins that are available in the market. सो ओजीवा प्लांट बायोटिन सिर्फ आपके बालों के लिए ही अच्छा नहीं है, इट ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर नेल्स. ओजीवा बायोटिन ऑल्सो कंटेन्स बैम्बू शूट्स विच इज रिच इन सिलिका एंड इम्प्रूव्स ग्रोथ ऑफ द हेयर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू योर हेयर. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर वीक्स नाउ एंड आई कैन फील द डिफरेंस ऑलरेडी. सो आई हाईली रिकमेंड इट. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक इट योर सेल्फ. सो माई थर्ड पॉइंट इज DIY सीक्रेट, जो कि मैं सबसे शेयर नहीं करती हूँ, बट जैसे कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों से शेयर करना बनता है. सो आई अप्लाई दिस हेयर मास्क वंस और ट्वाइस अ वीक डिपेंडिंग ऑन माय शेड्यूल. सो आई एब्सोल्युटली लव इट्स रिजल्ट्स. सो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ग्रीन टी इज गुड फॉर आवर स्किन मेटाबॉलिज्म एंड फॉर वेट लॉस, बट
Great is amazing for hair growth and for the shine and for the texture of the hair. It is amazing because green tea is rich in antioxidants, जो कि help करता है हमारी लड़ने में dryness, flaky scalp और frizziness से. So I take 2 to 3 bags of green tea and put it in a boiling water and allow it to cool. After that, जैसे वो ठंडा हो जाता है उसको अपनी scalp पे लगाना है एंड लगाने के बाद मसाज करना है थोड़ा सा और उसके बाद उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है. उसके बाद उसको वॉश कर देना है कूल टू रूम टेम्परेचर वाले वाटर से. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हॉट वाटर इज नॉट गुड फॉर आवर स्कैल्प और फॉर आवर हेयर ऑल्सो. सो या सो ये थे मेरे हेयर केयर रूटीन के 3 पॉइंट्स. और भी बहुत सारे हैं जैसे कि आप लोग अपने डाइट में और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल भी आप यूज कर सकते हो. सो और भी हेयर मास्क हैं DIY जो कि मैं यूज करती रहती हूँ कभी कभी, तो वो सब भी अगर मैं इस वीडियो में बता दूंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी. सो दिस इज माई रूटीन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंसिस्टेंसी इन दिस, बिकॉज 2-3 दिन करके अगर आप छोड़ दोगे तो आपको नहीं पता चलने वाला है. एटलीस्ट आपको 2-3 महीने इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा. एंड जो भी इसको यूज करेंगे प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके या इंस्टाग्राम पे DM करके जरूर बताएं, सो दैट मुझे पता चल सके कि मेरी बातें कितने लोगों ने सुनी है. सो आई नो कि इस टाइम पे मेरे थोड़े से ब्लॉग कम आ रहे हैं बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी. तो अब मैं ट्राई करूंगी कि अब मेरे ब्लॉग जल्दी जल्दी आए बिकॉज अब मैं सही हो गई हूँ. जैसे कि आप लोग देख रहे हो बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त हो गई हूँ मैं. तो यस एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को वेट करना पड़ता है, आप लोगों को मैसेजेस करने पड़ते हैं कि ब्लॉग कब आ रहा है कब आ रहा है. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. That was it for the video. Thank you so much for watching. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मैंने ज्यादा बोर नहीं किया होगा. सो अगर आपको पसंद आई है देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूले. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.